हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा, आपकी अपनी फ्रेंड, लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें पढ़ने वाले हम अल्वल ट्रैक डिसऑर्डर। देन हम देखेंगे डेफिनेशन। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन सॉरी इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द यूवल ट्रैक, आइदर द इरिस, दैट मीन्स इरिसाइटिस एंड सीलियरी बॉडी यानी कि साइलाइटिस, और कोरोइड यानी कि कोरोडाइटिस। तो ये होता है एक तरीके का इन्फ्लेमेशन। कहाँ पे? जो भी अल्वा ट्रैक होता है आई का। यहाँ पे तीन चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इरिस, सिलियरी बॉडी, कोरोइड, तीनों की अलग अलग कंडीशन बताई गई हैं। उसके बाद इसके कॉजेज क्या होते हैं दोस्तों? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है दोस्तों? पेन, रेडनेस ऑफ आई, ब्लर्ड विजन, फोटोफोबिया, डिस्कम्फर्ट, प्यूपिल इज यूजली कॉन्स्ट्रिक्टेड। एंड देन देखेंगे इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देखेंगे दोस्तों साइक्लोपेल्जिक मेडिकेशन, एग्जाम्पल एट्रोपिन, इफेक्टिव रिलीव स्पैजम ऑफ सिलियरी बॉडी मसल्स, टॉपिकल स्टीरोइड्स फॉर डिक्रीज इन्फ्लामेशन। तो दोस्तों ये है इसका मैनेजमेंट। आज जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे यूनिट का एंड होने वाला है। तो यूनिट में जो लास्ट के जो टॉपिक्स है बहुत छोटे छोटे से हैं, तो मैं सभी को एक साथ कनेक्ट करते हुए वीडियो को थोड़ा लेंथी बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मायोपिया। मायोपिया है दोस्तों, इसका डेफिनेशन मायोपिया क्या होता है? नियर साइटनेस होता है, साइटनेस। दिस कंडीशन इन विच पैरेलल लाइट रेज आर ब्रॉट टू द फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि इसमें जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो किस पे फोकस डालती हैं? फ्रंट ऑफ द रेटिना पे। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? मायोपिया इज करेक्टेड बाय द वियरिंग स्पेक्टिकल्स विद कनकेव लेंसेज, यानी कि मायोपिया में हमें स्पेक्टिकल्स लगते हैं जिनमें क्या होते हैं? कनकेव लेंसेज का यूज़ होता है। उसके बाद आता है दोस्तों हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं इसे। इसका डेफिनेशन है इट इज़ द फार साइटनेस। यहाँ देखिए दोस्तों, मायोपिया में है नियर साइटनेस, हाइपरोपिया में है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में है फार साइटनेस। दिस कंडीशन इज विच पैरेलल लाइट रेज आर ब्रॉट ऑन टू फोकस बिहाइंड द रेटिना। इसमें जो पैरेलल लाइट का रेज का जो फोकस है वो कहाँ रहता है? बिहाइंड द रेटिना। मायोपिया में कहाँ रहता है? फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? कन्वेक्स लेंसेज आर यूज, यानी कि उसमें हमने कनकेव लेंसेज का यूज़ किया था स्पेक्टिकल्स में, यहाँ पे हम स्पेक्टिकल्स में कन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करेंगे। देन देखेंगे दोस्तों डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ रेटिना करेक्टराइज बाई दी माइक्रोस्कोपिक डैमेज टू रेटिनल वेसल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। साइन एंड सिम्टम्स में देखेंगे दोस्तों हैमरेज और एक्जुडेशन में अक्कर, इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ विजन, ये सब चीज़ें हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? फोटोकॉगुलेशन The destruction of tissue by heat released from the absorption of light show on it by laser to prevent hemorrhage. Varenectomy भी कर सकते हैं इसमें। क्या करते हैं? Removal of all the part of vitreous humor of the eye, including vitreous hemorrhage. It is done to release traction of membrane on retina. तो दोस्तों ये था हमारा ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो दोस्तों यहीं पे आज हमारा ये जो यूनिट था ईएनटी डिसऑर्डर का, ईयर नोज थ्रोट एंड आई डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट, आज यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट हमारा 7 है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपकी और कोई क्वेरीज है तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।